Oh my God, I have to say, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड. हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें की हैं, एंड इफ़ वी कैन ओनली लिव अप टू हाफ ऑफ दैट, आई थिंक वील बी गुड. सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट. वो ज़माना अलग था. वो आई मीन वो मोगल का ज़माना जो उन्होंने बनाया, उन्होंने लिटरली हमारी इंडस्ट्री बनाई है फ्रॉम नथिंग. दे क्रिएटेड आर इंडस्ट्री. जो आइटम सॉन्ग्स हैं, सारे जो उन्होंने डिसीजंस लिए, वो आज हम हमारे स्क्रीन्स पे देख रहे हैं. सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक माई ग्रैंडफादर इज़ अ रॉक स्टार. देखिए, ये तो लेजेंड है, सभी जानते हैं इस मुखर्जी. मैं बहुत लेट में आई हूँ उनकी ज़िंदगी में और वो मेरे ज़िंदगी में बहुत लेट आए हैं. मैं उन्हें मौसा जी करके ही बुलाती थी. मैं उनका खाली अफेक्शन और लव के बारे में बता सकती हूँ. उनकी वाइफ सती रानी मुखर्जी, शी वॉज़ अ लवली पर्सन एंड दे ऑलवेज ट्रीट मी लाइक वन ऑफ देयर सिबलिंग एंड एवरीबडी नोज व्हाट ही मेड. टुडे आई एम हियर टू शो माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम एंड हिज फैमिली बिकॉज वॉट एवर वी आर हियर बिकॉज ऑफ हिम. हेमंत कुमार वॉज really brought by him here and established here. So I just came to show my gratitude. And she forgot to mention that her sons, Esmukhaji's sons, also very nice people. No, I said whole family. Whole family. You see, you cannot love one person, cannot become a family friend. You have to love all of them. Thank you. सम अमेजिंग थिंग्स इन हिज लाइफ. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है कि उनकी ज़िंदगी छोटी पड़ गई उसके लिए. तो लेकिन आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम ग्लैड दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस. आई ब्रॉट माई सन अलॉन्ग. मैं अपने बेटे को भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर. बेसिकली वो मेरे दादा थे एंड दादू वॉज आई थिंक मोर ऑफ मैंने हमेशा उनके कभी फिल्म तभी वो हीरोइन बनेगी नहीं बनेगी तब बहुत पता भी नहीं था. आई थिंक मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमेशा सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद टोपी पहन के. एंड वॉट आई लव्ड अबाउट हिम, आई थिंक आई लव्ड हिज स्मेल. उनका एक पर्टिकुलर परफ्यूम हुआ करता था जो मुझे आज तक याद है एक्चुअली. So I remember that very, very well.